वचन के बदलने से क्रिया में कैसा विकार आ जाता है, क्रिया में कैसे परिवर्तन आ जाता है, ये देखते हैं। अगर मान लो लड़कियां हैं, ठीक है, बहुवचन है, तो लड़की का बहुवचन क्या हो गया? लड़कियां। लड़की का बहुवचन हो गया लड़कियां। मान लो कि लड़कियां हैं और लड़कियां खेल रही, तो हमारा वाक्य क्या होगा? लड़कियां खेलती हैं। देखो वर्ब के ऊपर बिंदी लगे ना, हैं, खेलती हैं, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बदल गया। खेलती कैसे वो हो जाएगा? खेलती हैं। अगर हम बोले लड़कियां खेलती है तो जाने की बात है, वो गलत है, क्योंकि क्रिया का क्या ये संज्ञा का वचन का लिंग का और कारक का, ठीक है, यहाँ पे कारक का उदाहरण नहीं दिया है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लिंग वचन कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखा हमने लड़कियां क्योंकि बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन के अनुसार बदल गई, खेलती है बन गया, खेलती है, ठीक है। तो हम लोग विकारी शब्द, विकारी शब्द के दो परिभाषा मैंने दे रखे हैं, इन दोनों परिभाषाओं में जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगती है वो आप याद कीजिए। एक परिभाषा ये दी है मैंने, ठीक है, और दूसरी परिभाषा ये दी है। इन दोनों परिभाषा में से जो भी अच्छा लगता है बच्चे वो आप कॉपी निकालिए और नोट करके रख लीजिए, ठीक है। इन दोनों परिभाषा में से जो भी परिभाषा आपको अच्छा लग रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा लिंग वचन और कारक के कारण किस तरीके से क्रिया में परिवर्तन आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? विकारी शब्द की परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द, ठीक है, वे शब्द यानी वे शब्द कौन से शब्द है, वो क्रिया की बात बोली जा रही है, ध्यान रखना परिवर्तन कहाँ हो रहा है, क्रिया में हो रहा है, ठीक है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन कहाँ पे आ रहा है, क्रिया में। यहाँ पे उदाहरण में हमने देखा था ना लड़कियां क्योंकि बहुवचन है इसलिए क्रिया भी वचन के कारण बदल गया और वो हो जाएगा खेलती हैं, ठीक है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। आप साथ साथ लिखते जाए, विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं, इनके कारण क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जिनमें
कारक के कारण परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और ये विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, अब दूसरा परिभाषा ले लेते हैं। जो शब्द अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक है, जो शब्द अलग अलग परिस्थितियों में आवश्यकता तथा प्रयोग के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं शब्द हमारा आवश्यकता और प्रयोग के आधार पर क्या क्या बन सकता है? मुझे, मैंने, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि रूप मिल गए। एक बार परिभाषा पर ध्यान दो। उदाहरण देते हैं तो
जैसे रमेश, सुनीता, अनीता, राहुल, निर्मला, अंजलि, नाम बहुत सारे होते हैं। तो जब हम ये नाम बोलते हैं तब हमको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता, सीधा मतलब हमको साफ साफ पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम इस लड़की को बोला जा रहा है। गीता, तो हमको साफ साफ पता चल जा रहा है कि ये गीता के बारे में ही बोला जा रहा है, और कोई नहीं, गीता के ही बारे में बोला जा रहा है, इसके ही बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति में इंसानों मनुष्यों के नाम होते हैं, नाम होते हैं। ठीक है, वस्तु, वस्तु यानी निर्जीव वस्तु, कोई भी चीज। ठीक है, मेज, कलम, छत, खिड़की, कुछ भी हो सकता है। और स्थान, स्थान यानी स्थान विशेष, जैसे दिल्ली, मुंबई, देहरादून, कोलकाता, उड़ीसा, ये सब स्थान के उदाहरण हो गए। और भाव, भाव यानी इमोशन, कौन कौन से इमोशंस होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं। हर्ष, हर्ष मतलब होता है खुशी, हर्ष, शोक, शोक यानी दुख, उत्साह, घबराहट, प्रसन्नता, और कौन कौन से, सुंदरता, मुखता, चतुराई, ये सारा भाव है। ठीक है, भाव को हम लोग छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते। ठीक है बच्चों, अभी हम संज्ञा क्या है इसका, इसकी जानकारी हो गई। अभी हम संज्ञा के कितने भेद हैं ये पढ़ें, नोट कीजिए सारे बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हम संज्ञा के भेद पढ़ें। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप साथ साथ लिखते भी जाइए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा शब्द जो जाति का बोध कराता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द भाव का बोध कराता है, भाव यानी पता है ना, इमोशन, भावनाएं, सुख, दुख, हर्ष, शोक, चतुराई, सुंदरता, वे संज्ञा शब्द जिन्हें अनुभव किया जा सकता है लेकिन उनको छुआ नहीं जा सकता। पिछली कक्षा में कहा था ना, अभी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, इस परिभाषा में भी शब्द पर ही जोर डाला जा रहा है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को, ठीक है, जोर किसने करा, शब्दों को। जैसे कि मैंने बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सारे शब्द ही हैं। व्याकरण में हम शब्द के बारे में ही तो पढ़ते हैं कि वो शब्द क्या है, वो शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है। व्याकरण में हम लोग शब्दों को ही तो पढ़ते हैं, इसीलिए शब्दों पर जोर है यहाँ पर। किसी विशेष व्यक्ति,
जाति का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जिनको पढ़कर एक ही प्रकार की
अतिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। पहले हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा जानेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा सुनो, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी कहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा है ये कैसे पहचानोगे? द्रव्य यानी पता है लिक्विड, जो तरल रूप में है, लिक्विड स्टेट में, और धातु मतलब पता है जितना भी मेटल, जहां कहीं पर भी मेटल का नाम आएगा, जहां कहीं भी धातु का नाम आएगा, आप बोलोगे मेटल ये तो सोना है, लोहा है, पीतल है, ये तो इसके नाम है, धातु के नाम है, इसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालते, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आना चाहिए। लेकिन नहीं, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, इन चीजों को हमको याद करना पड़ेगा। जब किसी द्रव्य, कोई किसी द्रव्य का नाम लिखा हो या किसी धातु का नाम लिखा हो, धातु यानी मेटल, किसी धातु का नाम लिखा हो या किसी पदार्थ का नाम लिखा हो, ठीक है, वहां क्या होगा? वहां जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे द्रव्य का उदाहरण क्या है, दूध, दही, ये सारा द्रव्य यानी तरल रूप में रहता है, लिक्विड रूप में रहता है, पानी। ठीक है, अगर कोई पूछेगा घी, घी कौन सी संज्ञा है, तो आप बोल दोगे घी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? आपने कक्षा में ध्यान से पढ़ा था, समझा? ठीक है, धातु सोना, लोहा, पीतल या किसी भी धातु की बात जब बोली जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी, और जब किसी भी पदार्थ के बारे में बोला जाए, कोयला, गेहूं, बाजरा, लकड़ी, तब वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, एक मूलभूत डिफरेंस समझ लो, अंतर समझ लो व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जहां हमें साफ साफ नाम बता दिया जाता है, वही जातिवाचक संज्ञा में स्पष्टता से, साफ साफ से नाम नहीं बताया जाता। उसके उदाहरण कैसे होंगे? सेना, लड़की, लड़का, पेड़, फूल, पक्षी। और इसके अलावा जो समूह में हो, जो चीजें समूह में हो, जैसे सेना, कक्षा, ये सारी चीजें समूह में होती है ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगी, क्योंकि द्रव्य, धातु ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, जिनको तोला जाता है, मापा जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? एक और बात परिभाषा करते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा से कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से ये लिखिए, अभी हम आगे द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख ली, अभी हम समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, लिखिए बच्चे, ध्यान से लिखिए। अभी जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद समुदायवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा लिखिए। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यहां पर जोर किस पे दिया गया है, एक ही प्रकार
कक्षा में बहुत सारे बच्चों का समूह होता है। जब बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं एक कक्ष में, एक रूम में, तो वो होता है कक्षा, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोगों का समूह मिलके परिवार कहलाता है। ठीक है, घर, बहुत सारे लोगों का समूह मिलके ही तो वो घर बनता है ना? सभा, सभा यानी मीटिंग। बहुत सारे लोग जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको सभा बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध हो, वस्तुओं के समूह का बोध हो, वहां पे एक ही प्रकार की वस्तुएं होंगी, एक ही प्रकार की चीजें होंगी। अगर लोग हैं तो एक ही प्रकार की होंगे। ठीक है, नोट लीजिए। जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहा जाता है।
जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, गीता, रेखा, रमा, ये सारे शब्द स्त्री जाति के नाम है, स्त्री जाति के, तो ये स्त्रीलिंग है। तो ले जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, घनश्याम। ठीक है, इतना क्लियर? लिंग पता चल गया, लिंग के दो भेद हमने पढ़ लिए। अब देखो, व्यक्तियों में, प्राणियों में, प्राणी यानी जीव जंतु, ठीक है, व्यक्तियों में तो लिंग का भेद करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अगर सीता है तो हमको पता चल जाता है, अरे सीता तो स्त्रीलिंग है। अगर मैंने राम कहा तो राम शब्द से भी आप उसका लिंग बता दोगे, राम तो पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग में आएगा राम शब्द। लेकिन अप्राणिवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं में प्राण नहीं होता, जीवन नहीं होता, चेतनता नहीं होती, उनका लिंग निर्धारण करने में हमें बहुत समस्या उत्पन्न होती है, हम पहचान नहीं पाते आसानी से। जैसे प्राणियों में दोनों आते हैं, ठीक है, प्राणियों में, व्यक्तियों में दोनों लिंग, इंसान का नाम या फिर पशु पक्षी, व्याकरण आप पढ़ते जाइए, आप
आप जितनी बार पढ़ेंगे ना बच्चे उतनी बार आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लिंग परिवर्तन पढ़ेंगे। लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कैसे बनाए, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाए। ठीक है, पेज नंबर 57 का है। देखो शिष्य, शिष्य पुल्लिंग है तो शिष्य के पीछे आ जोड़ करके हम इसको स्त्रीलिंग बना देंगे, शिष्या। ठीक है,